हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम धीरज दीवानापन। दोस्तों आज हम आए हैं आलू के खेत में आए हैं। चलिए दोस्तों हम आप सबको दिखाने वाले हैं, आप सब देखिए। देखिए दोस्तों आप सब आलू खेत में देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों सब कितना सब काम कर रहे हैं। देखिए इधर भी देख लीजिए, देखिए दोस्तों इसमें कैसे सब लोग आलू बीन रहे हैं। दोस्तों जो सड़ा हुआ है उसको अलग कर रहे हैं, जो अच्छा है दोस्तों उसको अलग कर रहे हैं, जो दोस्तों जो अभी बच्चा है उसको भी अलग कर रहे हैं, आई मीन बड़े छोटे सबको अलग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए हमारी ये दादी माँ है, ये भी दादी माँ सुबह से बहुत काम कर रही हैं। देखिए देखिए दादी, देखिए ये हमारी दादी माँ है, सुबह से बहुत काम कर रही हैं। दादी माँ जरा कुछ बोलना चाहती हैं आप? देखिए बोला बोला हमने के जस में यह काम होला भैया। आलू खनाई बिनाई धराई एके अलगे अलगे छांट के, प्याज काट के तो प्याज ऐसे से गड़ाई तो पानी भराई नहीं, यह कुल काम हमने की गृहस्थी में होला। देखिए दोस्तों अभी दादी माँ बोली हैं आपसे, ये हमारी माता जी हैं, अभी पूरे खेत की खेती कियारी के बारे में बोली हैं, क्या क्या कैसे होता है कैसे हम लोग करते हैं। दोस्तों देखिए अभी हमारी दादी माँ बहुत ज़्यादा काम करती हैं, खेती में बहुत ज़्यादा काम करती हैं। देखिए अभी ये आलू बीन रही हैं, देखिए ये बहुत मेहनती हैं, भगवान इनको बहुत इनको ताकत दे। अभी ये कम से कम 50 साल 8 साल तक कम से कम जिए, इनकी उम्र को बहुत भगवान थोड़ा दे लंबी उम्र दे। देखिए कितना मेहनती है, देखिए देखिए दोस्तों दोस्तों ये जो लड़का है ये सुबह से काम कर रहे हैं, देखिए इनका नाम है प्रिंस राज। दोस्तों ये लड़का जो है सुबह से काम कर रहे हैं। दोस्तों अभी देखिए ये सुबह से लेकर हम आप सबको दिखाने वाले हैं। अभी ये जो लड़का था दोस्तों ये पूरा खेत खना है, करीबन 4 बिस्सा का खेत है। दोस्तों ये पूरा अकेली आलू खने हैं। तो दोस्तों एक खेत है तो करना ही पड़ेगा गाइस, ये अपना खेत है इसको करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों अभी सब खनाएगा, अभी आलू अभी खाना नहीं है, अभी करीबन 4 बिस्सा का आलू खाना हुआ है। अभी देखो दोस्तों सब खनेंगे। और ये लड़का देखिए अभी थक चुके हैं, क्या करेंगे दोस्तों, अभी सुबह से काम कर रहे हैं। अभी कितना 4 बिस्सा का खेत खने हैं, अभी करीबन फिर 4 बिस्सा के खेत खनने वाले हैं। देखिए थक गए हैं दोस्तों, अभी चलते दिखाते हैं हम सबको आलू। दोस्तों ये आलू है, अभी देखो खाना हुआ है, करीबन 1.5 क्विंटल के आसपास आलू है, ये करीबन 1.5 क्विंटल के आसपास से आलू है। और दोस्तों देखिए गाइस
देखिए दोस्तों, ये कुदार है। देखिए दोस्तों, ये इसको कुदार बोलते हैं। इससे दोस्तों ये आलू से खाना जाता है। दोस्तों इसको इससे आलू खाना जाता है। दोस्तों अगर ये नहीं रहेगा तो गाइस आलू खाना भी नहीं जा सकता। दोस्तों ये देखिए कुदार है, इससे आलू खाना जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अच्छा तो हम आप सबको कुछ और दिखाने वाले हैं, आप सब देखिए। दोस्तों इस वक्त हम आ गए हैं लहसुन, आप सब तो खुद ही जानते हैं। देखिए गाइस ये सब लहसुन है दोस्तों, ये सब लहसुन है दोस्तों। ये लहसुन होता है दोस्तों, इसमें ये बहुत सारा काम की चीज़ है ये दोस्तों। इसमें इससे मसाला इससे पीसा जाता है दोस्तों। अब देखिए गाइस, दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। इससे मसाला पीसा जाता है दोस्तों। इसमें मीठ में इसमें बनता है दोस्तों। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। यही सब देखिए दोस्तों, सब खेती होता है। और देखते हैं दोस्तों, देखिए गाइस ये है धनिया। ठीक, आप सब तो खुद ही जानते हैं धनिया है द गाइस। पर गाइस ये जो धनिया है ये बहुत काम की चीज़ है। ये भी जैसे लहसुन काम में आता है गाइस, वैसे ये धनिया भी काम आता है गाइस। तो गाइस आप सब खुद ही देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगता होगा दोस्तों। दोस्तों देखिए गाइस, यही सब खेती में काम होता है। देखिए गाइस आलू खनने के बाद इसको लात से एकदम समथर करा जाता है गाइस, आप सब खुद ही देख लीजिए। देखिए कैसे आलू खन रहे हैं। गाइस ये सब देखिए, आलू थोड़ा बहुत सड़ गया है क्योंकि गाइस इधर पानी बहुत ज़्यादा था, सड़ गया है गाइस। देखिए आलू बहुत सड़ गया है। देखिए गाइस अभी और सबको दिखाने वाले हैं। देखिए गाइस, देखिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। देखिए बहुत सारा मेहनत कर, देखिए देखो आलू का जो पेड़ होता है उसको लेके जा रहे हैं गाइस, फेंकने जा रहे हैं। देखिए आप सब खुद ही देख लीजिए। चलिए अच्छा ठीक है गाइस, आप सब तो खुद ही देख लिए हैं गाइस खेती में कैसे काम होते हैं, आप सब खुद ही देख लिए हैं गाइस। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना गाइस, इसको कट मत करना। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा यार। तो प्लीज़ यार भाई ये धीरे दीवानापन को लाइक देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक गाइस मेरे शॉर्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अच्छा चलते हैं, बाय बाय, आई लव यू।